तकरीबन 4:15 बजे निकला मैं सुबह सुबह के 4:15 बजे लेके पहुंचा मैं जेल में। तुरंत कार्ड बनवाया, कार्ड बना, तुरंत डॉक्टर साहब देखे, तुरंत पानी चढ़ाना चालू कर दिया, पानी चढ़ा मेरे लड़के को। फिर जब तक नाइट वाले डॉक्टर थे वो अच्छे थे, वो बहुत अच्छे देखभाल कर रहे थे मेरे लड़के को। दो बोतल चढ़ गया, फिर जब तीसरा बोतल का आया तो बोले भाई बच्चे उठा के ले आओ मेरे सामने, इधर मैं देखूंगा अपना लड़का ठीक नहीं है। वो देखते रहे, वो केयर किए पूरा लड़के, लेकिन जब पौने 8 बजे करीब में जब वो चले गए, उसके बाद जो डॉक्टर आए वो लोग हाथ डिस्चार्ज कर दिए। जब मैं 4 बजे एडमिट किया था तो 8:30 बजे तक वो डॉक्टर थे नाइट वाले, तो देखते रहे। उसके बाद फिर जैसे वो गए उसी टाइम में फिर आधा बोतल ग्लूकोज चढ़ा दिए, बोले फिर उसके बाद बोले 18 नंबर में जाओ, वहाँ जाके चेक कराओ, वहाँ दवा मिलेगी, दवा ले जाके खिलाओ। फिर ले गया, वहाँ चेक कराया, दवा दिए, दवा ले जाके बोले ले जाके ध्यान रखना, दवा खिलाना। मैं वहाँ से बच्चे को लेके यहाँ आ गया था कमरे में, उसको ला के फिर कमरे में दवा खिलाया, एक खुराक दवा खिला के मैं रेस्ट कर लेगा, थोड़ा रात में जगा हुआ है, थोड़ा उसको राहत मिल जाएगी। डिस्चार्ज कर दिए, दवा दे दिए थे, बोले ले जाके कमरे में दवा खिलाया। उसके बाद ला के यहाँ एक खुराक दवा खिलाया, बच्चे को नहीं लेटाया, बोला आधा घंटा रेस्ट कर लेगा, आधा घंटा एक घंटा रेस्ट कर लेगा तो थोड़ा आराम मिल जाएगा। फिर जब दूसरी खुराक दवा 2 बजे मैं उसको उठाया, ये उठाई करवा ली हमारी, तो उनका चेहरा सही नहीं लगा बच्चे का। जब बच्चे चेहरा सही नहीं लगा मेरे को, मैं तुरंत टांग के लेके भाग के गया वहाँ से, ले जाते हैं इसमें कार्ड जमा कर लिए, मेरा कार्ड जमा कर लिए। उसके बाद मेरे लड़का के उल्टी हो रहा था, दस्त हो रहा था, और मेरा लड़का 6 में एडमिट हुआ। हम एक छोटा वाला बेटा मेरा बीमार है, हम PGI में गए हुए थे, उसका दोस्तों ने ले गया 6 में, और 6 वाले ने 2 बोतल सिर्फ पानी चढ़ाया उसको, वो सब बुरा हाल में छोड़ दिए। यहाँ आने के बाद में उसका हाथ पाँव अकड़ने लगा था, तो हम प्राइवेट में लेके गए थे। अभी तो ठीक है, इस हाल में 6 वाले के छोड़ना नहीं चाहिए, तो बहुत गलत किए उन्होंने।